हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम महेंद्र कुमार है और आज हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग अपने स्टूडेंट के आई कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, एलिफ के आई कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट जो है, हमने जो भी आई कार्ड पे हमें डिटेल चाहिए उस डिटेल को एक्सेल में ले लेंगे, रेडी कर लेंगे और जो फोटो जहाँ पर हमने रखा होगा उसका पाथ भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये डिटेल एक्सेल में करने के बाद हम लोग वर्ड में चलेंगे और वर्ड में हम लोग इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से टेबल ड्रॉ कर लेंगे। जितने टेबल हमें इमेज जितने आई कार्ड रेडी करने होंगे उतने टेबल ड्रॉ करेंगे और जैसे ही टेबल आ जाएगा यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से हम लोग टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से रो पे क्लिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे, जितने सेंटीमीटर का हमको वो आई कार्ड चाहिए उतना टाइप कर लेंगे और ओके करेंगे। बॉक्स बन के रेडी हो जाएंगे आई कार्ड के लिए। इसके बाद हम लोग मेलिंग्स में आएंगे, ठीक है, मेलमर्ज में आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट रिफिशियंट पे क्लिक करेंगे। यूजर एग्जिटिंग लिस्ट, जो लिस्ट हमने तैयार किए थे स्टूडेंट के डाटा का एक्सेल में, वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ देखेंगे इंसर्ट मेंबर्स का फील्ड हाईलाइट हो जाएगा। वन बाय वन करके हम लोग एज अ डाटा स्टूडेंट के फिल करते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पे डाटा एक का स्टूडेंट का डाल लिया हमने, है ना, और जैसे जैसे यहाँ पे डाटा डालते जाएंगे वैसे वैसे ये पूरा डॉक्यूमेंट भर जाएगा, ठीक है। जैसे कि जैसे ही हम लोग वो डाटा फिल कर लेंगे तो इस तरह से फिल हो जाएगा। फ़ोटो के लिए अलग से हम लोग इंसर्ट में आके टेबल और ड्रॉ टेबल के में पे क्लिक करके यहाँ पे फ़ोटो के लिए अलग से टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से मेलिंग में आएंगे। मेलिंग में आने के बाद यहाँ पे जो हमने ये सारे डिटेल्स जैसे फिल कर लिए, इसके बाद सेंट मेलमर्ज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेबल पे क्लिक करेंगे और इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कैंसिल करने के बाद ये हमारा जो अपडेट लेबल से ये हाईलाइट हो जाएगा, क्लिक करेंगे सेम सारे में डिटेल फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। और यहाँ से फ़ोटो के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट में जाके जहाँ पे हमने फ़ोटो एज ए स्टूडेंट के रखे हैं उसका पाथ में जाके उस फोटो को इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से वन बाय वन फ़ोटो इंसर्ट कर लेंगे और उसका जो फॉर्मेटिंग करके सही फॉर्मेट में कर लेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद फिर से हम लोग मेलमर्ज में जाएंगे और मेलमर्ज में आने के बाद लास्ट में फिनिश मेलमर्ज पे क्लिक करके एग्जिट विदाउट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ऑल पे टिक करके ओके करेंगे, स्टूडेंट के वन बाय वन डाटा सारे अलग अलग स्टूडेंट के वन बाय वन डाटा सारे में फिल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग फोटो भी वन बाय वन करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपने आई कार्ड को जनरेट कर सकते हैं, कलर प्रिंट से प्रिंट निकाल के आई कार्ड की तरह उनको कवर करके स्टूडेंट को दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।